नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। पूरा देश इस वक्त कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। इस महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन में कई फिल्मों की शूटिंग बंद होने के साथ ही थिएटर्स भी बंद हो गए। इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म का बोलबाला काफी बढ़ गया। कई बड़ी बजट की फिल्मों को भी अब डिजिटल रिलीज का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 को लेकर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की खबरें आने लगी, लेकिन जैसे ही महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने इस बात का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। कुछ लोग मीम्स के जरिए कहने लगे कि कुछ तो शर्म करो, तो कुछ कह रहे हैं कि जो लोग 2 दिन पहले नेपोटिज्म का ज्ञान दे रहे थे और स्टार किड्स पर गुस्सा निकाल रहे थे, वही आज सड़क 2 का इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। एक यूजर ने तो लिखा कि सड़क 2 का नाम बदल कर नेपोटिज्म 2 कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म की पूरी कास्ट नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि लोग आलिया भट्ट की सड़क 2 को सड़क पर लाने की बात कर रहे हैं और सुबह से ही ट्विटर पर #boycottsadak2 ट्रेंड कर रहा है। बता दें चले कि आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट स्टारर ये फिल्म 10 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो सका। और अब जब ये फिल्म OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है, तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार बता रहे लोगों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या ये फिल्म OTT पर आसानी से रिलीज हो पाएगी, और अगर रिलीज हो गई तो क्या लोग इसे देखेंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता है।